प्रकाश नवशारदा पब्लिक स्कूल पूना। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उससे नेक्स्ट जो लिमिटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या है या टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा है वो क्या है। तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, आप लोगों ने पढ़ा रेनबो के बारे में सुना होगा कि जब बारिश होती है, रेन होती है, उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती है, जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है वो 7 कलर में स्प्लिट होकर हमें ऊपर 7 कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर दैट इज स्पेक्ट्रम। उसे वही क्या है, स्पेक्ट्रम है। इतनी चीज आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। ठीक है, अब हम स्पेक्ट्रम के दूसरे टाइप भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ही देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। अगर हमारे पास व्हाइट लाइट है, जैसे ही व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराया जाएगा, ठीक है, ये व्हाइट लाइट, दिस इज प्रिज्म। अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करा रहे हैं तो क्या होगा, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराया, लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट हो गई। अब कैसे होगी, सबसे ऊपर हमें कौन सा कलर दिखाई देगा और सबसे नीचे कौन सा कलर दिखाई देगा, या फिर कौन सा कलर ज्यादा डेविएट होगा और कौन सा कलर कम डेविएट होगा। देखिए, जो रेड कलर है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, रेड कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। रेड कलर की क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो ये क्या होगा, कम डेविएट होगा। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम डेविएट होगा, डेविएट लिस्ट। रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट और डेविएट क्या होगा, लिस्ट होगा। और जो वायलेट कलर है, इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी, शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और ये क्या होगा, डेविएट मोस्ट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो क्या होगा, ज्यादा कम डेविएट होगा, जिसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है वो क्या होगा, ज्यादा डेविएट होगा। ठीक है, अब इस तरह से हमें व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करने पे 7 कलर दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रम के बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम या फिर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे हमें 7 कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं, वो 7 कलर हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे कि यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे वायलेट, मीन्स अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। वो कलर आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। ठीक है, मान लो कि इतने से स्पेस पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो 7 कलर दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, विब्रियो, दीज आर द 7 कलर विच यू कैन सी इन द स्पेक्ट्रम। ओके, मान लो कि ये रेड कलर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगा, ऑरेंज, उसके नेक्स्ट ही आपको क्या दिखाई देगा, येलो। मीन्स ये सारे कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर क्या है, आपस में मर्ज है, मीन्स आपको अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। ठीक है, इस तरह से ये कलर जो है आपस में मिक्स होते हैं।
इस तरह जो हमें कलर के मिक्स होने के बाद जो स्पेक्ट्रा दिखाई देगा उसे बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक है, जब ये सारे कलर आपस में मिक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा। इसका मेन एग्जाम्पल है रेनबो। ठीक है, रेनबो जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप रेनबो देखते हो कि रेनबो में आपको 7 कलर तो दिखाई देंगे बट वो सारे के सारे कलर आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, तो इसीलिए रेनबो क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल है। लेट मी मूव ऑन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। अब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, जो अब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा है ये आपको वेपर फेज में दिखाई देगा। ठीक है, जब किसी भी सब्सटेंस के वेपर फेज में से व्हाइट लाइट पास की जाती है तब आपको अब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। देखिए, दिस इज व्हाइट लाइट, अगर यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट रख दिया, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन या कोई भी मान लो कुछ भी हमने यहाँ प्लेस कर दिया तो क्या होगा, ये क्या करेगा, व्हाइट लाइट मतलब पूरी व्हाइट लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कुछ व्हाइट लाइट को अब्सॉर्ब कर देगा। ठीक है, और बाकी कुछ क्या है, यहाँ हमें जो 7 कलर्स है ना उनके बीच में डार्क बैंड्स के रूप में दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरह से बीच बीच में ना हमें अलग अलग डार्क लाइन्स दिखाई देंगी। किस लिए, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, कुछ लाइट को अब्सॉर्ब किया। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे हमें डार्क लाइन्स दिखाई दे रही हैं, तो इन्हीं डार्क लाइन को हम क्या बोलते हैं, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। रिपीट करती हूँ कि व्हाट इज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे ही हमने व्हाइट लाइट को किसी भी एटम में से पास कराया, ठीक है, एटम में से पास कराने के बाद वो प्रिज्म में से पास हुई, प्रिज्म में पास होने के बाद हमें प्रिज्म में ना कलर्स के बीच में अलग अलग डार्क लाइन दिखाई देंगी इस तरह से, उसे हम क्या बोलते हैं, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये डार्क लाइन हमें किस लिए दिखाई दी थी, हमें सारा का सारा डार्क नहीं दिखाई देगा, ओनली डार्क लाइंस बीच बीच में दिखाई देंगी, तो इसका रीजन है क्योंकि हाइड्रोजन ने या फिर किसी भी एटम ने डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, उसने ऑल एनर्जी को ऑल लाइट को अब्सॉर्ब नहीं किया, उसने क्या किया, डिस्क्रीट अमाउंट में लाइट को अब्सॉर्ब किया। ठीक है, अब्सॉर्ब लाइट इन डिस्क्रीट अमाउंट, डिस्क्रीट अमाउंट का मतलब क्या है, थोड़े से अमाउंट में एनर्जी को या फिर लाइट को अब्सॉर्ब किया, जिसकी वजह से हमें सम डार्क लाइंस यहाँ पर ऑब्टेन होंगी, कंप्लीटली डार्क दिखाई नहीं देगा। इसी स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखो, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको डार्क लाइन तो मिल गई, साथ में क्या होगा, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो एटम ने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया उसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से ना, मतलब कि जो उसकी नॉर्मल स्टेट है, ग्राउंड स्टेट बोल सकते हो, नहीं तो नॉर्मल स्टेट बोल सकते हो, नॉर्मल स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एटम ने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो अपनी नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया, एनर्जी उसके अंदर एक्स्ट्रा हो गई, बट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेज इज अनस्टेबल। अब कोई भी चीज है वो अनस्टेबल तो रह नहीं सकती, हमेशा क्या है, अपनी स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब ये अनस्टेबल से वापस स्टेबल पोजीशन पे आएगी, ठीक है, जब ये एटम अनस्टेबल पोजीशन से वापस स्टेबल पोजीशन में आएगा तो ये क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा या रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, एमिट रेडिएशन। जब ये एटम, कोई भी एटम है,
नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया लाइट को अब्सॉर्ब करके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट पे जाके वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। बट कोई भी एटम है वो अनस्टेबल पोजीशन पे तो नहीं रह सकता, अनस्टेबल पोजीशन पे नहीं रह सकता, इसीलिए वो वापस क्या आएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। जब वो अनस्टेबल से वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तब वो वापस आते हुए क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा या फिर लाइट को एमिट करेगा, ठीक है। फिर अपनी स्टेबल पोजीशन को गेन कर लेगा। जो आते हुए एनर्जी को या फिर रेडिएशन को लाइट को एमिट करेगा उसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। क्या हुआ एमिशन स्पेक्ट्रा, कि जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया, डार्क लाइन मिल गई, तो एटम ने या फिर जो भी सब्सटेंस हमने वहां रखा हुआ था उसने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो अनस्टेबल पोजीशन पे चला गया। अनस्टेबल से वापस स्टेबल पोजीशन पे आने के लिए वो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा, और उन्हीं रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है स्टूडेंट। This is the emission and absorption spectra. और next क्या है, जब वो वापिस आएगा ना emission spectra, मतलब light rays क्या करेगा, emit करेगा, उसके बाद हमें यहाँ क्या मिलेंगी, अलग अलग lines मिलेंगी, अलग अलग क्या मिलेंगी, lines मिलेंगी। और ये lines जो है वो हर एक एटम के केस में डिफरेंट होंगी, ठीक है। जब एमिशन स्पेक्ट्रा हो रहा है तो मीन्स जो एटम है वो वापस आ रहा है, तब क्या होगा, वो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन देगा, और जो ये लाइंस मिलेंगी ना वो डिफरेंट होंगी हर एक एटम के केस में, ठीक है। तो जो लाइंस मिलने का स्पेक्ट्रा है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं उसे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा क्या है। बट उससे पहले आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या है और स्पेक्ट्रा के टाइप क्या है, तभी आप हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वर्क आपके लिए यही रहेगा कि आप लोगों को स्पेक्ट्रम रीड करना है और स्पेक्ट्रम के टाइप अच्छी तरह से रीड करने हैं और उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू, बाय बाय।